छोड़ने की बात हो रही है। जिग्ना यशो महोदय द्वारा 24 तारीख को हमको फोन किया गया रात में 10:41, 10:46, 11:46 पर कि आप सावधान हो जाइए, आपकी हत्या की सुपारी किलर पकड़े गए हैं जौनपुर के चंदवक थाना में, और इसके बाद FZ बाइक यमहा की ये लोग नहीं रखे हैं, उससे हत्या और लूट करने का इन लोगों का पेशा है। और यशो साहब रात में गिरफ्तारी में लगे थे, सुबह अचानक ये लोग ऐसा बदले, CEO साहब आके बैठे, इसके बाद उसे 3-4 चक्कर घर आया गया, रुपए का लेन देन हुआ, और इसके बाद ये लोग छोड़ दिए। छोड़ने के बाद हमने कप्तान महोदय को जाके बाकायदे लिखित में मौखिक में भी बताया, और DGP प्रमुख सचिव जी, मुख्यमंत्री महोदय को, DIG महोदय को, हमने सबको लिखित में वो रजिस्ट्री किया। और इसके बाद ये जो हुआ, ये यशो साहब का हमारे मोबाइल फोन आया, यशो साहब ने ये कहा कि अरे वो जो है सत्ता मंत्री जी थे कैलाश चौरसिया जी, उनके कहने पर, और CEO साहब हमको बोले, वहाँ और सिपाही भी बैठे थे, CEO साहब ने कहा नहीं नहीं उसको छोड़ दो, मामला नहीं तो गंभीर हो जाएगा, मंत्री जी का आदमी है, और वो मेरे मोबाइल में विधिवत रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्डिंग मैं आपको सौंप रहा हूँ, और ऐसे ही अगर पुराने सपा गवर्नमेंट के मंत्री के कहने पर अपराधियों का ऐसे ही चलता रहा अपराध, तो आज नहीं तो कल किसी की भी हत्या हो सकती है। मैं ग्राम प्रधान हूँ और दिन रात यहाँ गांव वालों की सेवा में लगा रहता हूँ, सुबह खुले में शौच के लिए भी निकलता हूँ रोकने के लिए कि गांव में खुल शौच मुक्त रहे खुले में, और ऐसे वक्त में ये इनका जब यही पेशा है, वो किसी समय हमारी हत्या कर सकते हैं, और हम आप लोगों मीडिया के माध्यम से ये अवगत कराना चाहते हैं, चूंकि स्टाफ का फेवर करता है, और पुराने मंत्री जी का भी अभी रसूख चल रहा है, भले BJP की गवर्नमेंट आ गई है, योगी जी एकदम अपराध पे अंकुश लगाने पे लगे हैं, लेकिन पुराने सपा के गवर्नमेंट जो क्रिमिनल माइंड है वो आज भी अपराध कराने में एकदम सक्षम है, और उनका रसूख भी प्रशासन वाले मान भी रहे हैं, बिल्कुल नहीं तो वो किसी भी समय हत्या करा सकता है, वो तो एकदम ताव से चैलेंज दे रहा है कि 1 लाख दे के छूटा है, फिर आज नहीं 5-10 लाख खर्च के इसको मरवा ही देंगे। जी अगला क्या कार्यक्रम है, आप क्या प्लान किए हैं आप? अगर पुलिस प्रशासन ऐसे ही रुपया लेकर खेल खेलती रही तो हम पूरा प्रधान संघ और हमारा पूरा गांव मुख्यमंत्री जी से मिल करके सारी बातों को अवगत कराएगा, और सारे रिकॉर्ड मोबाइल में जो सबूत है हम लोग देंगे, और इसके बाद वहीं पे हम लोग इसका धरना और आमरण अनशन करेंगे। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि पुलिस ने उसको छोड़ दिया?